आज पूरी दुनिया में वैज्ञानिक चिंतन की धारा बह रही है और उसके महत्व को सारी दुनिया महसूस कर रही है। इस वैज्ञानिक चिंतन की बुनियाद रखते हुए वेदों के बाद प्रतिष्ठित मनुस्मृति के 12वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म न वेदितरः। जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है वही धर्म है। जो तर्क को नहीं मानता, उस कसौटी को नहीं मानता, वो धर्म को नहीं जानता। इतनी बड़ी बात मनुस्मृति ने उस समय कही जब मानवता एकदम जैसे अपने सूर्योदय के काल में थी। उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले व्यक्ति को आज के दिन हम याद करते हैं, महाशिवरात्रि के इस महान पर्व के अवसर पर याद करते हैं। उस समय वो केवल 14 साल के बालक थे, आज से लगभग 280 साल पहले की बात बता रहा हूं, और गुजरात के मोरबी तहसील के टंकारा में वो पैदा हुए, करशन तिवारी के यहां। पिताजी बड़े शिव के भक्त थे और उन्होंने अपने बच्चे का विनाम इसीलिए बहुत प्यार से मूल शंकर रखा था, और मूल शंकर के ऊपर पिताजी हावी होकर के उनसे कहने लगे, महाशिवरात्रि का ये महापर्व, तुम्हें व्रत रखना होगा, सारा दिन सारी रात पूजा करनी होगी शिव के मंदिर में बैठकर। और 14 साल के बालक ने अपने पिता की सारी बातों का अक्षरशः पालन करते हुए जब व्रत रखा और दिन भर पूजा पाठ में तल्लीन रहे, रात को लगभग आधी रात के लगभग जब उनके पिताजी भी थक के सो गए, पुजारी भी थक के सो गए, लेकिन वो बालक जागता रहा, जागता रहा। उसके मन में शिव के प्रति अगाध अगाध श्रद्धा, उस शिवलिंग के प्रति, और वो उसमें से प्रकट होकर देखना चाहते थे, प्रकट होंगे देव महादेव, देवाधिदेव महादेव जो उन्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन आधी रात के बाद देखते क्या है कि शिव जी तो प्रकट नहीं हुए, चूहे प्रकट हुए कुछ इधर उधर बिलों में से, और उस शिवलिंग के ऊपर इधर उधर उछल कूद करने लगे, चढ़ावा खाने लगे। उस बच्चे को कितना बड़ा आघात लगा और उसने अपने पिताजी को जगा करके कहा, पिताजी देखो, जिस देव महादेव को तुम कहते थे कि सारी दुनिया का रक्षक है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा। पिताजी ने उसको डांट करके कहा, लगता है तुम भी थक गए हो, सो जाओ। बालक ने अपने मन में ही सोचा कि पिताजी आपके अंधविश्वास की परंपरा में चल करके मैं अभी तक सोया हुआ था, मेरी नींद खुल गई है, मैं इस देव महादेव के नाम पर इस पत्थर की पूजा नहीं करने वाला। आधी रात को वो अपने घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, माँ से रोटी मांग करके अपने व्रत को तोड़ते हैं और अगले दिन से उस शिव की पूजा करना बंद कर देते हैं। तर्क की प्रधानता कि जो शिव, जिसे तुम शिव कह रहे हो, जिसे तुम शिवलिंग कह रहे हो, देवाधिदेव महादेव कह रहे हो, उसके ऊपर तो चूहे चढ़ करके अठखेलियां कर रहे हैं, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता तो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। एक सीधा सरल सा सवाल एक बच्चे के मन में कौंधता है। जैसे न्यूटन के मन में, साइंटिस्ट के मन में एक विचार आया पेड़ के नीचे बैठा हुआ पार्क में, कि ऊपर से जो फल गिरा वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उस महान वैज्ञानिक के उस चिंतन में से जो विज्ञान के सूत्र निकले, आज पूरा का पूरा विज्ञान जगत उनका आभारी है। उसमें से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकला, जिसमें से सारी सारी जितनी प्रगति की धाराएं बह रही हैं वो उससे संचालित होती हैं। लेकिन ऋषि दयानंद का चमत्कार देखिए, 14 साल के बालक मूल शंकर के दिमाग में ये सवाल कैसे कौंध गया, और उसके बाद उन्होंने कितना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उस शिव के मंदिर में उस शिव की पूजा करनी बंद कर दी, और लगातार लगातार उस छोटी सी उम्र से ही सच्चे शिव की तलाश के लिए इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे, पूछने लगे। जब उनके माता पिता ने देखा कि इसका मन तो किसी और तरफ जा रहा है, उनको पकड़ के उन्होंने सोचा शादी करा दो, घर गृहस्थी बसा दो और तब ये चुपचाप अपना ढर्रे में ढल जाएगा। लेकिन 18-19 साल की उम्र में उन्होंने माता पिता को चकमा दे करके घर छोड़ करके निकल गए, और तलाश करते करते पूरे देश भर में घूमते घूमते बड़े बड़े साधु संतों के बीच, फकीरों के बीच, योगियों के बीच उन्होंने एक ही सवाल रखा, सच्चा शिव, असली परमात्मा कैसा है, क्या है, हमें उसकी कैसी उपासना करनी है। और जब इसका समाधान ठीक से नहीं हुआ तो अंत में
35-36 साल की उम्र में वो गुरु विरजानंद के चरणों में पहुंचे, जहां वेदों का तर्कपूर्ण तरीके से वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर, निरुक्त के भाष्य के आधार पर, पतंजलि और पाणिनि के आधार पर जब उसके भाष्य को अपने मन में उतारा और गुरु ने उनसे प्रतिज्ञा ली कि इसी विचारधारा को लेकर तुमने अपना जीवन समर्पित करना है, तो एक चमत्कार हुआ, एक बहुत बड़ा विश्व के स्तर पर विस्फोट हुआ, ज्ञान का विस्फोट हुआ, जिस ज्ञान की धारा को कुछ चंद ब्राह्मणों ने अपनी परंपरा में डाल करके केवल केवल अपनी जन्मना जातिवाद के लिए सुरक्षित किया हुआ था, दूसरों के लिए उसे वंचित कर दिया था, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए पढ़ना निंदनीय था, वंचित था, इस प्रकार की ज्ञान की प्रचंड उस धारा को, वेद को उन्होंने मानव मात्र के लिए खोल दिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दलित हो, ब्राह्मण हो, सबके लिए उनके दरवाजे खोल करके उन्होंने कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब मनुष्यों का, सब आर्यों का परम धर्म है। इतनी बड़ी बात कहने के बाद जो आर्य समाज का चौथा नियम है वो और बड़ा चमत्कार। इस तर्क के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करते हुए आर्य समाज का चौथा नियम कहता है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अर्थात आपकी विवेक शक्ति जागृत होनी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी विवेक शक्ति जागृत हो, और उस विवेक शक्ति के बल पर वेदों का किसी ने यदि गलत भाष्य भी किया है, किसी व्यक्ति ने इनसे पहले के, ऋषि दयानंद से पहले के जिस लोगों ने भी किया था, उन लोगों को हटा करके उनके बदले में तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सायण के भाष्य को एक तरफ रखते हुए दयानंद ने अपनी भाष्य की, अपनी परंपरा की एक बुनियाद डाली। आज उसके ऊपर भी किसी को सवाल उठाना है तो उठा सकता, लेकिन अपनी तर्क शक्ति को जागृत रखते हुए। ज्ञान की धारा तभी आगे बढ़ेगी, विज्ञान की धारा तभी आगे बढ़ेगी, वैज्ञानिक चिंतन तभी आगे बढ़ेगा जब पूरी मानवता को एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लेते हुए, और एक एक मनुष्य और एक एक पशु पक्षी प्राणी जगत को एक दूसरे पर निर्भर बताते हुए, और पूरी सृष्टि को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, पूरी के पूरे यूनिवर्स को एक एक शक्ति के रूप में, एक ईश्वर, एक संसार, एक ही है मानव परिवार, आओ बनाएं विश्व सरकार, ये वेद की उद्घोषणा है। और वेद चाहता है कि हम सब लोग इस तरह से रहें जैसे एक परिवार के लोग होते हैं, न कोई ऊंच न कोई नीच, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब के सब एक तरह से शिक्षा के अधिकारी बने, चिकित्सा के अधिकारी बने, और पूरे समाज में समता मूलक बोध जगता जाए, जगता जाए, तर्क की शक्ति प्रतिष्ठित होती जाए। आज महाशिवरात्रि का पर्व आओ मनाएं, इसलिए मनाएं कि एक वैज्ञानिक चिंतन की आधारशिला आज के दिन 195 साल के लगभग रखी गई थी, 295 साल के लगभग, 1824 के लगभग, कितने साल होंगे जोड़ लीजिए, तो उसके हिसाब से उस दिन तो उनका जन्म हुआ था 1824 में, और 14 साल के थे जब बालक मूल शंकर, तब उन्होंने ये सवाल उठाया अपने दिमाग में, और इस उठे हुए सवाल को जब उन्होंने एक तरह से आगे बढ़ाया तो उसमें से पैदा हुआ सत्य के लिए आग्रह, और उसमें से निकली ये पुस्तक, कालजयी पुस्तक, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्य के अर्थ का प्रकाश किया, यह दावा नहीं किया कि पूरा सत्य मेरे पास है, जो सत्य का अर्थ मेरी समझ में आया, जो प्रकाशित हुआ है मेरे मन में, उसका मैंने प्रकाश किया। आगे और बढ़ो, सत्य को लेकर के आगे बढ़ो, ये महर्षि दयानंद का आग्रह है। रूढ़िवादी मत बनो, पाखंडी अंधविश्वासी मत बनो, और जीवन के हर पहलू को तर्क की कसौटी पर कस करके आगे आगे बढ़ते चले जाओ, पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो करके सबके लिए धन धान्य पूर्ण, ऐश्वर्य पूर्ण, इस तरीके के जीवन की कल्पना को साकार करो जिसके लिए प्रकृति का वरदान परमात्मा की ओर से हम सबको मिलता है, लेकिन मिल बांट करके खाओ, न कि अकेले अकेले लूट खसूट करके। चंद अमीरों के हाथ में दुनिया की दौलत सिमटती चली जाए और आधी आबादी दुनिया की केवल भूख से तड़पने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए। इस तरीके का एक नया सपना लेकर के महाशिवरात्रि के पर्व पर महर्षि दयानंद ने जो उद्घोष किया और तर्क को प्रतिष्ठित किया, आज उसे सेलिब्रेट करने का,
उस उत्सव को मनाने का असली दिन है। आओ नौजवानों, मैं कहूंगा स्कूल के बच्चों, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं, तुम अपने जीवन में तर्क को प्रतिष्ठित करो। जिस धर्म की मान्यताओं में, रूढ़िवाद में और कई तरह की इस तरह की मूर्ति पूजा में आप लोगों को ढकेल दिया गया और आपने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि आस्था के नाम पर आप पर थोप दी गई है, आप उस पर सवाल कीजिए कहां तक वो सच है। यदि वो सच लगे तो मानो, और न लगे तो उस पर तर्क करते करते अपने लिए स्वयं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। मैं समझता हूं कि पूरी मानवता के लिए महाशिवरात्रि एक मुक्ति का संदेश दे रही है। अंधविश्वास से मुक्ति, पाखंड से मुक्ति, तर्कहीनता से मुक्ति और इस प्रकार के चिंतन को जिसको हम अवैज्ञानिक कहते हैं उससे मुक्ति, यही है प्रगति का रास्ता। और इसको लेकर के हम सच्चे शिव की सच्ची उपासना करेंगे तो बहुत बहुत परिवर्तन हमें अपने जीवन में, पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। धन्यवाद, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।